वास्तव कितने टाइप के होते हैं? 7-8 टाइप के आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके हम जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो आ गया हमारा क्लो फुट बाथटब। एक इकलौता ऐसा बाथटब जो हमारा फर्श है, फ्लोर है, वहाँ से डायरेक्ट अटैच नहीं होता, इसको बोलते हैं हम क्लो फुट बाथटब। चार आपको लेग्स देखने को मिलेगी इसमें। अगर आप लेग्स देखोगे ना, तो इसके नाम से ही, वो लेग्स के नाम से ही इसका नाम पड़ा है, क्लो फुट, यानी पंजे की तरह इसकी लेग्स होती हैं। बेसिकली अगर आप अपने होम में या बाथरूम में ट्रेडिशनल वाइब देना चाहते हो, क्लासी वाइब देना चाहते हो, तो उस टाइप के ये बाथटब है। अगर आप फार्म हाउस टाइप का भी बनाना चाहते हो, उस सेक्शन में भी ये जा सकता है। बेसिकली अगर सीधा सीधा बोलूँ तो एक इकलौता बाथटब जो बाथरूम में किसी भी सेक्शन में लगाया जा सकता है, बेशक चारों तरफ दीवार ना हो, वहाँ भी हम ये लगा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ इंश्योर करनी होती है इस बाथटब को लगाने के लिए कि हमारी प्लम्बिंग की जो फिटिंग है, पाइपलाइन है, पानी का जो जो गार्ड है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ऑब्वियसली बाथटब है, पानी तो चाहिए ना, तो सिर्फ वो ध्यान रखना पड़ता है, बाकी ऐसा कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। अगर आप चाहते हो ना कि आपको लो मेंटेनेंस का बाथरूम मिल जाए आउटडोर्स के लिए, तो ये वन ऑफ दोज बाथटब्स है। सिर्फ इंडोर्स में ही नहीं लगते बाथटब, आजकल आउटडोर में भी लगते हैं। सेकेंड आता है जैपनीज बाथटब, जैपनीज सॉकिंग टब भी बोलते हैं इसको। होता क्या है, जैसे जैपनीज स्टाइल में ना ओवल शेप में और राउंड शेप में डीप, आपको जैसे टंकी टाइप का दिखते हैं ना, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, बट मैं शेप बता रहा हूँ कि टंकी की तरह शेप होती है इन बाथटब्स की। अगर आपका बाथरूम छोटा है और उस बाथरूम में आप एक ऐसा पॉइंट बनाना चाहते हो जैसे फोकल पॉइंट है, अटेंशन गेन कर ले सारा, तो इस टाइप के बाथटब्स के साथ आप जा सकते हो। बहुत ही सुंदर दिखते हैं, प्लस स्पेस जो है कम यूज़ करते हैं, तो हमारा स्पेस सेविंग टाइप का ये हो गया बाथटब। तीसरे टाइप का बाथटब आता है जो जनरली आपको घरों में देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन, वो है एल्कोव बाथटब। जिस एल्कोव से मैं बताऊं तो जिस बाथटब के तीनों तरफ दीवार हो और चौथी तरफ से वो यूज़ करने के लिए खाली हो, उस टाइप के बाथटब को हम कहते हैं एल्कोव बाथटब। सबसे ज़्यादा ये क्यों यूज़ होता है? सिंपल सी बात है, इसको इंस्टॉल करना, इसकी प्लम्बिंग की फिटिंग करना सबसे ईजी है बाकी सबके कंपेरिजन में। और दूसरी चीज़, ये जो बाथटब्स हैं थोड़े इकोनॉमी रेंज में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए भी ये यूज़ होते हैं। और जनरली ये बाथटब्स बिल्कुल बाथरूम के एंड में लगाए जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग ऐसी होती है कि इनको हमें एंड में ही लगाना पड़ता है। इसके बाद जो आते हैं बाथटब्स, वो होते हैं हमारे कॉर्नर बाथटब्स। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पे आपको कॉर्नर बाथटब लेने पड़ते हैं, मतलब दो तरीके से दीवार लगी हुई होती है और दो तरफ से नहीं होती है, तो उसको कहते हैं हम कॉर्नर बाथटब। सिंपल सी बात है, अगर एक बाथटब मैं बोलूँ जो सबसे ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होता है, यानी सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है, वो कॉर्नर बाथटब्स हैं। इसमें आप शार वगैरह भी अटैच कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगले जो टाइप का बाथटब है वो है ड्रॉप इन बाथटब्स। जैसे मैंने बताया था, ड्रॉप इन वॉश बेसिन में नीचे को एंड में नीचे तक चला जाता है वॉश बेसिन, और जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है, लिप जो है बाथटब का, वो ऊपर रह जाएगा जैसे वॉश बेसिन में था। अगर बात करें तो इजी टू क्लीन है, इकोनॉमी रेंज में आते हैं ये बाथटब्स, तो बहुत ही सिंपल होते हैं इंस्टॉलेशन में, कोई ज़्यादा ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती स्किल लेबर की, इसीलिए इकोनॉमी रेंज के लिए अच्छे भी हैं। इसके बाद आते हैं अंडरमाउंट बाथटब्स, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ अटैच होते हैं, उसका कोई ऊपर वाला पार्ट भी एक्सपोज नहीं होता, वो होते हैं अंडरमाउंट बाथटब्स। बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही इजी टू क्लीन होते हैं, सबसे ज़्यादा इजी टू क्लीन यही होते हैं। अगले जो बाथटब्स आते हैं वो आजकल लग्जरी सेक्शन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो होते हैं जेट बाथटब्स। जेट बाथटब्स को व्हर्लपूल बाथटब्स भी कहते हैं, और लेमन लैंग्वेज में आजकल लोग इसे जकूजी बाथटब्स कहते हैं। एक्चुअल में जकूजी एक ब्रांड का नाम है जो व्हर्लपूल बाथटब्स बनाती है, बट वो अपने आप में ब्रांड ही इतना फेमस है कि उसी नेम से, जैसे होता है ना, हम नूडल्स को नूडल्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैगी खा रहे हैं। बेशक वो मैगी ब्रांड का ना हो, नूडल किसी और ब्रांड का हो, लेकिन बोलने में मैगी ही आता है, वैसे ही है। जकूजी एक ब्रांड का नेम है व्हर्लपूल टाइप ऑफ बाथटब जो बनाती थी, इसीलिए आजकल उसी के नाम से व्हर्लपूल बाथटब्स को भी डिनोट किया जाता है। अब इनमें क्या होता है, इनमें दो टाइप के जेट्स होते हैं, पहले होते हैं वाटर जेट और दूसरे होते हैं हमारे जो एयर बबल्स निकालते हैं। एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोथेरेपी के लिए यूज होता था पहले, मतलब पानी से ट्रीट किया जाता है किसी डिजीज़ को, उसके लिए यूज़ होते थे, लेकिन आजकल लग्जरी सेक्शन में लोग शौकिया भी इसे लगवा रहे हैं। तो आप सिंपल सी बात है, जैसे वो एयर जेट जो होते हैं ना, वो पानी में बबल्स निकालते हैं, तो मसाज में काम आते हैं, और जो वाटर जेट होते हैं, जैसे आपने पहले वाली वॉश मशीन देखी हैं जो पानी को ऐसे ऐसे घुमाती थी, उस तरीके से घुमाते हैं जो हमारे वाटर जेट्स होते हैं। तो कुल मिला के
ये ट्रीट करती है बॉडी को मसाज वगैरह करके। बहुत सारे टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे, टू सीटर भी होता है, वन सीटर भी होता है, पता नहीं कितने टाइप के मिल जाएंगे आपको मार्केट में। और अगर आपको ये लेने हैं ना, तो फर्स्ट मेक श्योर आपके पास कितना स्पेस है आपका बाथ टब लगाने के लिए। उस स्पेस में जो लग जाए उस टाइप के बाथ टब्स देखो, ऐसे सारे बाथ टब्स में देखो। आपको कोई ऐसा बाथ टब मान लो पसंद आ गया जो आपके स्पेस में लगना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपके क्लाइंट के लिए ढूंढ रहे हो तो तब प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही सारे फिक्स्चर हैं। जैसे सबसे पहले आप अपनी रेंज डिसाइड कर लो कि किस रेंज में चाहिए, उसके बाद देख लो क्या क्या हमारे पास स्पेस है, इतना इतना स्पेस है हमारे पास, उस स्पेस के और उस रेंज के अकॉर्डिंग जाके अपने फिक्स्चर डिसाइड कर लो पहले, ताकि ऐसा ना हो पहले आपने डिसाइड नहीं कर रखे, आपने देख लिया अच्छा यहाँ पे करेंगे और बाद में देखो कि जो लेके आए हो आप वो सही से फिट नहीं हो रहा आपके बाथरूम में। तो पहले आप अपना स्पेस डिसाइड करो, फिर अपना बजट डिसाइड करो और लास्ट में अपना फिक्स्चर डिसाइड करो, उसके बाद ही अपने बाथरूम का काम करवाना शुरू करो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करने के बाद। लास्ट टाइप के जो बाथ टब्स आते हैं हमारे पास, वो होते हैं वॉक इन बाथ टब्स। ये बाथ टब्स इंडिया में थोड़े कम हैं, अभी तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट आने वाले टाइम में बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। ये उन लोगों के लिए यूज़ होते हैं जिन लोगों के पाँव में फ्रैक्चर है, या तो या बूढ़े लोग हैं, घुटनों में प्रॉब्लम है, या किसी भी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो वो बाथ टब्स ऐसे हैं जिसमें आप बैठ के आराम से अपने शावर को यूज़ कर सकते हो, बाथ टब को यूज़ कर सकते हो, ये सारी आपको फैसिलिटी उसमें मिल जाती है।